नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एटीजेड। प्रेमी प्रेमिका ने लगाई नहर में छलांग, दो दीवाने कूदे नहर में, प्रेमिका की डूबने से हुई मौत, प्रेमी ने तैर कर बचाई अपनी जान। मोहब्बत में ना जाने कितने आशिकों की जान चली गई, लेकिन बेदर्द जालिमों ने दो प्यार करने वालों को जुदा ही कर दिया। प्यार के प्यासे दो प्रेमियों के प्यार को आखिर किसकी नजर लगी जो उन्होंने अपने आप को मिटाने का फैसला किया। आइए आपको ऐसे ही दो प्यार करने वाले आशिकों की स्टोरी दिखाते हैं, जिन्होंने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन बेदर्द जमाने ने उन्हें मिलने नहीं दिया, जिस वजह से प्रेमी प्रेमिका ने छोटी गंगा नहर में छलांग लगा दी। दो प्यार करने वालों को दुनिया जब जब तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। इसी गीत की तर्ज पर दो प्रेम करने वालों ने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर लोग दंग रह गए। मामला सौरिक थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव निवासी प्रेमी युगल अचानक घर से कहीं भाग निकले। जब देर शाम तक दोनों अपने घर वापस नहीं पहुंचे, तो प्रेमिका के परिजनों ने पुलिस से ढूंढने की गुहार लगाई और अपनी यह आशंका पुलिस से जाहिर की कि दोनों लोगों ने नहर में छलांग लगा दी है। पुलिस की खोजबीन में पता चला है कि प्रेमी और प्रेमिका ने एक के बाद एक खुद को मिटाने के लिए नहर में छलांग लगाई है। पुलिस की जांच पड़ताल में थाना प्रभारी विजय बहादुर वर्मा ने पुलिस बल के साथ तेज बह रही नहर पर पहुंचकर गोताखोरों को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस गायब प्रेमी और प्रेमिका के मामले में आत्महत्या को मान रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि पीड़ित परिजनों के कहने पर नहर में दोनों की तलाश कराई जा रही है। नहर में बहता हुआ पानी का बहाव बहुत तेज है, उसको कम करने के लिए नहर विभाग के अधिकारियों को पानी के बहाव कम करने के लिए बोला गया है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से हो सके। उन्हें ढूंढने के लिए कई गोताखोर गहरी नहर में घुसकर तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रेमी प्रेमिका को खोजा नहीं जा सका है। फिलहाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया है कि लड़की का भाई अपने खेतों पर गया था, उसने अपनी बहन और उस लड़के को देखा था, उन्होंने भी उस लड़के को देख लिया था। उसी समय लड़का लड़की ने नहर में छलांग लगा दी। अभी तक दोनों को ढूंढा नहीं जा सका है, उनकी तलाश जारी है। उनका शव मिलने के बाद अगला कोई कदम उठाया जाएगा। जबकि लड़की की मां ने बताया है कि अक्सर अंकित नाम के लड़के से उसकी फोन पर बात हुआ करती थी, यह बात हम लोग नहीं जान सके थे। अंकित जो नहर में कूदने के बाद तैर कर निकल गया और मेरी बेटी स्थिका का अभी तक पता नहीं चल सका। वहीं पुलिस जरूर इस प्रयास में लगी होगी कि आखिरकार प्रेमी युगल ने ऐसा कदम क्यों उठाया जो अपनी जान देने पर मजबूर हुए। कहीं न कहीं इन्हें जरूर परेशान किया होगा, हो सकता है घर वालों को इनके मिलने का ऐतराज हो। फिलहाल थाना प्रभारी सौरिक ने बताया है कि प्रेमी युगलों की तलाश कर ली गई है। कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन में लड़की के शव को गोताखोरों की मदद से ढूंढ लिया गया है, जबकि अंकित कूदने के बाद नहर में तैर कर पहले ही निकल गया था। शायद नहर में कूदने की वजह सामने आ सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस प्रेमी प्रेमिका के परिजनों से पूछताछ करेगी या फिर इसे आत्महत्या ही मानकर केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। समाचार एटीजेड के लिए कन्नौज से अलीमुद्दीन की रिपोर्ट। मैं खाना पीना बनाए खाए कहीं ना ही दुआरे जाके मम्मी लेट नहीं करे हैं, बारह बजे टाइम है तो मैं करे आ लग दिया हो तो बहुत देर ही दे आई ना ही तो मैं पता नहीं कर मारा लगा मावा या मम्मी है कि कुछ नहीं दिखाना तो मट्टी पता नहीं अब कोई अंदरू से हमने भाई नहीं देखो है। क्या नाम था? आपका नाम? संतोष कुमार। ये किस क्लास की छात्रा थी? ये मामला कब से चल रहा था? अब मामला मैं तो इतना ही अच्छे हैं फोन कत्ती रात ही जब जाना ही पता हम आए वाले का किन तय कत्ती रात ही कहाँ कत्ती रात कबो कबार अपने मामू आमात कर ले रही नानी करती थी बुओ ना तो खूब ना सब तक करती थी पर हमने तो डर नहीं करो है। आपको किस पे डाउट है? कौन लड़का ये साथ में छलांग मारा? लांगन को अंकित है, सब पर डाउट है। बहुत डर का है, वो तो कूद गो बनार में वीडियो कूदी हमारे संग पकड़ का। फिर लड़का कैसे बचा है? लड़का बापा नार पार कर गो तैर ले बिटिया तैर नहीं पा कबू नार में तैर ही नहीं मगर तीन आदमी नहीं तैर पात बिटिया हमारी तैर नहीं पात है वो लड़का तैर गो बापा नार अब बिटिया हमारी काना नहीं तैर पात। सर क्या मामला हो गया? देखिए कल शाम को 4-5 बजे थाने में खबर पहुंची है कि ग्राम मलिकपुर
में नहर में कोई लड़का और लड़की कूद गए हैं। होती सूचना पर SSI माय फोर्स के साथ में नहर घटनास्थल मलिकपुर के पास पहुंचे हैं। वहां जानकारी की गई तो जो लड़की और लड़का नहर में कूदे हैं, इनके नाम क्रमशः लड़की का नाम शिखा और लड़के का नाम अंकित है। लड़की के भाई ने बताया कि वो अपना दिशामतान होने के लिए दोपहर के समय 11-12 बजे नहर की तरफ, खेतों की तरफ गया था, तो वहाँ अपनी बहन और उस लड़के को वहाँ देखा और इस लड़के को देखने के बाद ही वहाँ पहले वो लड़का नहर में कूदा है और उसके थोड़ी देर बाद ही लड़की भी नहर में कूद गई। और ये सूचना जब शाम को 5 बजे करीबन थाने पे पहुंची है तो पुलिस यहाँ आया है। आने के बाद अपने स्तर पर यहाँ पर ढूंढवाई की गई, लेकिन चूंकि पानी नहर में काफ़ी था और रात भी हो गई थी, लिहाजा कल तो इसमें कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज स्थानीय गोताखोर वगैरह बुलाए गए हैं जो कि नहर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, तलाश की जा रही है उसकी। नहर विभाग को भी बताया गया है कि पानी का इसका थोड़ा सी रुकाव करके, इसका पानी का डाइवर्सन करके थोड़ा सी पानी थोड़ा कम इसमें किया जा सके। साथ ही साथ मेरे द्वारा सिंचाई विभाग के एक्शन से भी उनसे बात हुई है कि जहां से भी इसका पानी का स्रोत रोका जा सकता है और रोकें जिससे पानी वगैरह कम हो जाए और इसे पौड़ी वगैरह ढूंढने में आसानी हो सके। तो इसमें लगातार प्रयास जारी है, जैसे ही कहीं बॉडी वगैरह मिलेगी तभी इसमें कुछ कहा जा सकता है।